रूबरू हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, कमीशन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। इश्यूज़ कोई इतने ज़्यादा गंभीर नहीं है, पर फिर भी नई संस्था एक बनी है जो अपनी गतिविधियाँ पिछले जनवरी से, जब से इसका उद्घाटन हुआ है, तब से हम कुछ गतिविधियाँ अपने प्रदेश में जो है वो कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा द बेस्ट वे जो है इस वक्त यही होगा कि जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, उनके माध्यम से जो है वो जन जन तक पहुँचे, और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसका मैंडेट है, वो आपके माध्यम से जो है वो आम जनता तक, जो इसके लिए पात्र व्यक्ति हैं, उन तक ये बात पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो 2017 सितंबर में इसका शुरुआत हो गई थी, पर बीच में किन्हीं कारणों से जो है इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, और इसको रिकॉन्स्टिट्यूट अभी पिछले अगस्त 2021 में किया गया और मुझे ये जिम्मेवारी मिली है। तब से हमने क्योंकि नई तरह का इसमें एक्टिविटी है, और जैसे आपको मालूम ही है कि कमीशन जो है इट इज़ अ बिट डिफरेंट देन द बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस। बेसिकली इट इज़ ए क्वासी जुडिशियल बॉडी, और इसका मैंडेट जो है वो जो सिविल कोर्ट के जो हम राइट्स जो है इस कमीशन के माध्यम से यूज कर सकते हैं। अभी हमने सबसे पहले, अब जैसे आपको मालूम है कि आज मेरे साथ, मेरे लेफ्ट साइड में श्री अजय चौहान जी बैठे हैं, जो हमारा जो चार सदस्य ये कमीशन है जिसमें चेयरमैन मैं हूँ, श्री अजय चौहान जी जो हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं वो एक उसके सदस्य हैं, और दो और सदस्य हैं, एक हमारे जगजीत बग्गा जी वो भी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और एक मैंडेटरी होता है कि एक महिला का होना कॉन्स्टिट्यूशन इसमें ज़रूरी है। तो एक वो लेडी हमारी पोस्ट ग्रेजुएट लेडी है, सोशल वर्कर है, शी बिलोंग्स टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो वो, और एक हमारे आज हमारे बीच डिप्टी डायरेक्टर हैं जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो विभाग पहले था अब इसोम सा के नाम से इस विभाग को हम जानते हैं। तो हमने अभी जो अपनी गतिविधियाँ की हैं हर जिले में जाकर, क्योंकि तो जिले में एडमिनिस्ट्रेशन को जो है थोड़ा पता चलना चाहिए कि कमीशन क्या है और कमीशन की एक्टिविटी क्या है, और हमारी जिला के जो अधिकारी हैं उनकी क्या जिम्मेवारियाँ हैं। तो हमने अभी 6 जिलों में, जिसमें सोलन, हमीरपुर, आपका धर्मशाला, आपका कुल्लू, मंडी, ये 6 जिले जो है, और शिमला, 6 जिले जो हैं हमने अभी तक कवर किए हैं, और उसमें 6 जिलों में जिला के जो अधिकारी हैं, प्रमुख अधिकारी का मतलब हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हर विभाग के, तो उनके साथ मीटिंग की है। मीटिंग के साथ साथ हमने इसमें दो कैटेगरीज और जोड़ी हैं। दो कैटेगरी वो हमने इसलिए जोड़ी हैं क्योंकि बेसिकली आधिकारिक तौर से जो हमारे को फिगर्स आती हैं वो तो एक साइकिल स्टाइल सा होता है, एक रेपिटेशन होता है विभागीय, वो मिलता है, पर व्हाट इज़ द फीडबैक फ्रॉम द पीपल। बेसिकली ये जो है हमारे जो समाज के, यानी अनुसूचित जाति वर्ग है, दलित समुदाय है, जो वर्षों से जो है पीड़ित है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो उनका सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल जो उनकी एक स्टेटस है उस जिले में वो क्या है, उसका एक हमने एक पॉइंट इसको लिया है। वैसे तीन हम जो है इस पर जो हमने इश्यूज को लेकर चले हैं, एक तो यही है कि जो हमारा दलित समुदाय है, अनुसूचित जाति वर्ग है, उनका समाज में आज सामाजिक, आर्थिक और जो पॉलिटिकल और शैक्षिक तौर से
वो कितने के जो है जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से उनको कितना के लाभ मिला है, तो आंकड़ों के हिसाब से तो वो सरकार के जो अधिकारी हैं वो हमको बता देते हैं। पर हमने इसमें दो कैटेगरी और एडिशन किया है, वो दो कैटेगरी मैं समझता हूँ दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैटेगरी हमने कहा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस जिला के, ही में भी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा, ही में भी मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, और वहाँ के विधायक हैं अनुसूचित जाति के, और इसी के साथ साथ जो है हमने जो जिला पंचायत में आपके ब्लॉक समिति में, आपके जो कारपोरेशन में निगम में, आपकी जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन शेड्यूल कास्ट मेंबर्स शेड्यूल कास्ट, और इसके साथ बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन आपके मेयर डिप्टी मेयर हो सकते हैं, तो उनका एक ये कैटेगरी हमने उसमें लाई, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों को मालूम होता है कि इस समुदाय के लोगों के साथ, और वो भी इसी समुदाय से जो है चयनित होकर आते हैं, तो वो ज़्यादा तरीके से जो है कमीशन को फीडबैक दे सकते हैं कि वस्तु स्थिति जो है वो फील्ड में ये है। तीसरी कैटेगरी हमने इससे और ऊपर की कैटेगरी में कहूँगा, ऊपर इसलिए कहूँगा कि समाज में बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो दलित समुदाय के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और सरकार के समक्ष जो है वो समय समय पर अधिकारियों के समक्ष, वहाँ की सरकार के समक्ष चुने हुए प्रतिनिधि एमपी मेंबर पार्लियामेंट या चीफ मिनिस्टर या आपके गवर्नर, तो वो इस प्रकार की जो उनके ऊपर ज्यादतियाँ हो रही हैं या क्या चाहते हैं, किस तरह की योजनाएं बननी चाहिए, योजनाएं बनी हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए भी हमने वो तीसरी कैटेगरी उनके जो यानी इम्पॉर्टेंट लोग हैं जो इस प्रकार की लड़ाई समाज में लड़ते हैं उनके लिए, ये तीन कैटेगरी हमने जब देखी तो हमने देखा कि इससे बहुत अच्छा एक फीडबैक हमको मिला है। इन छः के छः जिलों में मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा हमको एक एनकरेजमेंट मिला कि जो ये अभी सरकार ने जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया है यानी हमारे आयोग का, इससे दलित समुदाय को जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है उनको आने वाले दिनों में बहुत से लाभ जो है इसके मिलने वाले हैं। दूसरा हमने फैक्टर जो साथ जोड़ा है वो हमने रखा कि कुछ एट्रोसिटीज़ हैं इस समुदाय पर होती हैं, कंटिन्यूसली होती हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, आपके माध्यम से भी बहुत सी जो जातियां हैं दलित समुदाय पर किसी वर्ग इस वर्ग पर हमारी बेटियों पर हमारी महिला बहनों पर जातियां होती हैं, तो वो भी उसका भी आकलन हम करते हैं, क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है उसमें कुछ पिछले दिनों चेंजेस की गई, प्रावधान लाए गए, उसमें यही था कि जो इस प्रकार के मामलों में संलिप्त है व्यक्ति जो बन जाता है जिसके ऊपर वो चार्ज लगते हैं और शिकायत पत्र उसके खिलाफ जाता है तो ही शुड बी डायरेक्टली अरेस्टेड, उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर आता है तब तक वो सारा मैनिपुलेशन वहां पर कर देता था, तो इसलिए पार्लियामेंट में ये अमेंडमेंट आया कि देर विल बी नो एंटीसिपेटरी बेल और ही शुड बी डायरेक्टली पुट बिहाइंड द बार्स, ही शुड प्रूव हिमसेल्फ कि आई हैव नॉट डन दिस, तो एक ये जब आया एक्ट तो इसके माध्यम से भी हम जो वहाँ के एसपी हैं जिला के एसपी हैं और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वहाँ पर सरकार का, तो उनसे हमने वो फिगर्स वगैरह ली और मैंने फिगर 2015 से लेकर 2021 तक जो है वो फिगर ली है कि भी कितने केसेस आपके इस साल में किस तरह के केसेस हुए, तो वो कितने आपके उनके खिलाफ चार्जेस हुए हैं, कितने के खिलाफ FIR हुई, कितने के कोर्ट में गए, कितने के जो हैं वो कोर्ट से बरी हुए हैं, इस प्रकार का वो जो खाका हमारे पास आया तो उससे हमें एक बड़ी संतुष्टि तो नहीं कह सकता हूँ, पर जब हम दूसरी स्टेट के साथ उसको कंपैरिजन करते हैं कि एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट, तो दूसरी स्टेट्स की जब हम एट्रोसिटीज सुनते हैं तो वो बहुत ही खौफनाक है, बहुत डरावनी हमारे सामने आती है कि पूरे के पूरे गांव दलितों के जला दिए जाते हैं और पूरे के पूरे गांव को जो है वो कई किस्म के साथ अत्याचार किए जाते हैं, परंतु मुझे इस बात से इतना के संतोष जरूर है कि इस देवभूमि में
उस कंपैरिजन में जो हम बाहरली स्टेट्स का जब देखते हैं तो उस कंपैरिजन में हिमाचल प्रदेश बहुत नीचे है। यानी हमारा हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का एट्रोसिटी प्रोन एरिया भी नहीं है कि कोई एक क्षेत्र है कि वहां पर रिपीटेडली जो है इस प्रकार के जो है केसेस होते हैं। कंपैरिजन में कह रहा हूँ, होने नहीं चाहिए, आज हो भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हाल ही में आपने शिलाई के दो तीन केसेस हमारे सामने आए, वहां का पिछले दिनों तो एक नौजवान को जो है उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो है अभी हमारी कॉलेज की छात्रा के साथ जो है जिस प्रकार का बिहेव हुआ वो आपके सामने अभी रिसेंटली आजकल आपके माध्यम से जो सोशल मीडिया पर एक वायरल चला हुआ है कि आज भी कुछ इस प्रकार की मानसिकता के जो है मैं कहूंगा कि घृणित जिनकी मानसिकता है, आज भी अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक कार्यक्रम में बुलाकर उनका यानी किस प्रकार से जो है उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। यानी उनको खाने के लिए अलग व्यवस्था और दूसरे लोगों के लिए अलग व्यवस्था, और फिर उसको माइक पर जो है वो बोला जा रहा है। यानी इस प्रकार के घृणित मामले भी यहाँ पर अभी हो रहे हैं। ये बात ठीक है, हम चाहते हैं और कमीशन भी चाहता है कि हमारा जीरो टॉलरेंस इसके प्रति हो और हिमाचल प्रदेश में एक भी मामला जो है एट्रोसिटीज का ना हो, तो दैट विल बी आइडियल स्टेट फॉर अदर्स। पर कंपैरिजन में मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते जिसको 40-45 साल जो है सोशल लाइफ में पॉलिटिकल लाइफ में हो गए हैं और एक चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग का होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की स्थिति जो है वो बेहतर है। और हम चाहेंगे कि कोई भी मामले इस प्रकार के सामने ना आए, आएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं। अनुसूचित जाति का जो ये आयोग है वो स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहा है, बहुत से मामले जो हैं सुओ मोटो भी हमने जो आपके अखबार के माध्यम से आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं उनको हमने टेकअप किया है सुओ मोटो, और वहाँ के कंसर्न्ड एसपी को स्टेटस रिपोर्ट को जो है हमने मांगा है। और अगर वहाँ पर कोई जो है वो एफआईआर लॉज नहीं होती है तो उसके लिए हमने उनको डायरेक्ट किया है कि तुरंत एफआईआर लॉज होनी चाहिए। मैं आपके ध्यान में एक जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों हमारा जो ये टूर हुआ है हमने सभी एसपीज को डायरेक्शन दी है, और वो डायरेक्शन ये दी है कि आपकी वजह से सोशल जो हमारी हारमोनी है समाज में जो भाईचारा है वो कई बार आपकी वजह से खराब होता है। कैसे खराब होता है? जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है कहाँ जाएगा? वो पुलिस के पास ही आएगा। पुलिस के पास आता है तो उसको जो है वो पुलिस वाले पहले तो ट्रीट ही नहीं करते उसको, यानी उसका कोई लेना देना नहीं ऐसा समझा जाता है, या जब वो ज्यादा दबाव डालता है तो फिर उसके साथ माल ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया जाता है। परंतु जब थोड़ी सी और गांव के लोग इकट्ठे होकर उसके रिश्तेदार आते हैं तो फिर वो कोशिश करता है कि कुछ लिखा जाए। तो हमने एसपीज को कहा है, फॉर ऑल द एसपीज के लिए डायरेक्शन दी है कि आप एक काम करें, इससे ही पता चल जाएगा कि जिस वक्त भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो आपके पुलिस के एरिया में जो पुलिस चौकी है आपका थाना है वट एवर इट इज वहां पहुंचता है, आप रजिस्टर मेंटेन करें और ये लिखिए कि ये इतने बजे यहां पहुंचा, मान लो 10:10 शाम को रात को वहां आया कोई भी व्यक्ति आया तो दैट शुड बी एंटर्ड। वो अपनी क्या व्याख्यान करता है, क्या वो एप्लीकेशन देता है, और लिख भी नहीं सकते हैं लोग, अनपढ़ भी हैं लिख भी नहीं सकते हैं, तो वो क्या बोल रहा है, क्या शिकायत उसने करी है, वो आप उसको लिखित रूप में उससे लीजिए और लेने के बाद उसको एफआईआर अप करें। दो टाइम मैं चाहता हूं कि एसपी उसको नोट करे, एक तो उसका एंट्री पॉइंट एंट्री टाइम एक, और दूसरा जो टाइम है वो एफआईआर उसने कब लॉज की है, क्या 2 घंटे बाद की है, 5 घंटे बाद की है, 8 घंटे बाद की है, 2 दिन बाद की है। तो कई बार 5 5 दिन तक 10 10 दिन तक एफआईआर लॉज नहीं होती है। ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट की मैं बात करता हूँ जो कि एक बहुत स्ट्रिंजेंट कह सकता हूँ कि एक्ट है टू सेफ गार्ड दीज दलित्स। तो हमने कहा कि ये दो पता चल जाएगा कि ये इन बिटवीन जो हुआ है, तो उस पुलिस ऑफिसर को जो है ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसकी जिम्मेवारी फिक्स करवा कि आपको जब ये 10:10 पर आया, 1 2 घंटे जो है तहकीकात में लग सकते हैं, उससे पूछताछ में लग सकते हैं,
तो एफआईआर तो आपको करनी है, यू आर नोबडी टू डिसाइड इट, कोर्ट बैठे हैं उसके लिए। जब आपकी एफआईआर होगी, चालान होगा उस एफआईआर पे, तो कोर्ट डिसाइड कर देगा ठीक है गलत है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, पर आपका काम है एफआईआर लॉज करना। तो ये दो टाइम हमने कहा कि एंट्री पॉइंट, एंट्री टाइम एंड उसका जो है एफआईआर लॉज करने का टाइम, तो हमने इस प्रकार का एक इस दौरान जो है वो देने का हमने प्रयास किया है। एक और हमने इसमें पॉइंट्स एक और दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एजुकेशन पर बड़ा जोर दिया, समाज के लिए, सबके लिए, ये नहीं कि दलितों के लिए या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, यानी उनका एक नारा ये था कि शिक्षित बनो, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो हमारा एक तीसरा चक्षु है वो खुल जाता है, और जब तीसरे चक्षु से हम समाज को देखते हैं तो वहां पर एक समता दिखती है, समानता दिखती है, बराबरी दिखती है, भाईचारा दिखता है। ये सब चीजें तब आती है जबकि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है। तो इसलिए शिक्षित बनों के लिए हमने, सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, और उस योजना के अंतर्गत मुझे खुशी है कि उस योजना में एक योजना ये है कि आपको हायर एजुकेशन के लिए बैंक से लोन दिया जा सकता है। हम देखते हैं आज भी, हम लोग जब आते हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, 90-95% लेके चले हैं, परंतु उनके माँ बाप जो हैं, माँ बाप बहुत गरीब हैं, किस तरह से उन्होंने प्लस टू तक उसको पढ़ाया, उससे आगे पढ़ाने की उनकी जो है हिम्मत नहीं है। तो इसलिए सरकार ने योजना बनाई एजुकेशन लोन फ्रॉम द बैंक्स। पर मैं आपको फिगर दे रहा हूं, आप बड़े हैरत में पड़ जाएंगे कि जब इस प्रकार की योजनाएं हैं और बैंक्स को जो है वो सरकार ही उसमें सपोर्ट करती है, तो वो लोन क्यों नहीं दे रहे हैं? एक फिगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं, जो फैसिलिटी सारी ले रहे हैं, गवर्नमेंट से फैसिलिटी पूरी ले रहे हैं, बट दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली सो फार एज द एजुकेशन लोन इज कंसर्न, नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपको फिगर अगर आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो मात्र, कोई भी बैंक लगभग नहीं दे रहा है इसमें। बाकी बैंक्स चलो अच्छे हैं, उसमें हमारा चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, इस प्रकार के बैंक हैं, ये अच्छा जो है। एक फिगर में अगर आप नोट कर रहे हैं तो ले सकते हैं, 2011 से 2021 के बीच में, मोटे मोटे तौर से बता रहा हूँ मैं, 5 बैंक की बात कर रहा हूँ। आपका एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने जो इन दिनों में टोटल जो लिया है, टोटल एप्लीकेशन इनके बाद 361 आई थी, 361 आई, और 361 आई तो इसमें से इन्होंने 302 जो है 302 को जो है वो लोन दिया, और लगभग 386 लोगों को, लाख लोगों, 386 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया, अच्छा अमाउंट है। फिर उसी तरह से आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इसमें भी लगभग 880 लाख रुपए इन्होंने इन दिनों में जो है वो लोन दिया, हालांकि बहुत कम है। यूको बैंक का है 676.35 लाख का है, वैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1,762.3 लाख का है, यानी ये भी कम है, पर चलो कुछ कर तो रहे हैं उन बच्चों को जो इनके माँ बाप जो हैं गरीब हैं। और आजकल तो एजुकेशन के लिए गरीब से गरीब किसान भी जो है अपनी जमीन को भी गिरवी रखता है। हमारा क्लास 4 का कर्मचारी है, उसकी सारी तनख्वाह बच्चों की पढ़ाई के लिए लग रही है, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें खुशी होती जब हम आपके माध्यम से मीडिया में आता है कि अखबार बेचने वाले की बेटी आईएएस बन गई, जब हमारे को आता है कि एक खोखा लगाने वाला व्यक्ति जो है उसका बेटा जो है वो आईएएस की उसमें सिलेक्ट हो गया। पर जिसलिए मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें चाहे एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, HDFC है, ICICI है, इसमें IDBI है, इंडसइंड है, ये है, और J&K बैंक है। इसमें J&K बैंक ने कुल 2 केसेस पिछले 10 सालों में एजुकेशन लोन के दिए, यानी कि उनके पास जाते नहीं, पर दे अवॉइड इट, अवॉइड करते हैं कि ये भी हम नहीं, कौन इस चक्कर में पड़े। तो ये हम इसमें जो कमीशन ने ये लिया है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हुए
केंद्र से भी हम इसकी बात करने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार से भी, कि जब इनकी मीटिंग होती है तो इनको आप इतना जरूर कह दें। आज भी मैंने मीटिंग बुलाई थी, आज मैंने समन किया था कमीशन में, अभी इससे पहले मीटिंग हुई चल रही थी, कि एजुकेशन सेक्रेटरी, एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपका डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हायर, और उसके साथ जो यानी हमारे बैंक से जो है वो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको तीनों को बुलाया था इस इशू पर, कि आप ये बताओ, फिगर दीजिए कि ये बैंक्स जो हैं एजुकेशन लोन में कितना कितना बैंक जो है वो पैसा दे रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हमको इसमें, जब कोऑपरेटिव बैंक भी दे रहे हैं, चाहे हमारा वो एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे हमारा वो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, हाँ इतना जरूर है जो इंदिरा बैंक जो हमारे सोलन का है, ये भी इसमें जो है नहीं दे रहा है। उसका कारण हम उनको पूछ रहे हैं कि क्यों आप इस में जो है वो कोताही कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी फिगर मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि ये प्राइवेट बैंक्स पर हम जोर डालेंगे, और सारे डीसीज को हमने कह दिया है कि उनको डायरेक्शन दी है कि जब भी आप बैंक्स की मीटिंग करते हैं तो उसमें इतना जरूर कह दो, ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, 12 प्राइवेट बैंक हैं, आप एक लड़के या एक लड़की को कम से कम साल में एक लोन जरूर आप उनको दीजिए, कम से कम एक, कम से कम वो 12 बच्चे जो हैं कहीं हायर एजुकेशन में आगे तो जा सकेंगे। फिगर छोटी है पर दे विल बी एनकरेज, पहले साल उनको ये होगा, उसका दूसरे साल वो 5 को दे दें, 10 को दे दें। एक शुरुआत हमने कहा डीसी साहब को, और आज हमने एजुकेशन सेक्रेटरी को भी कहा है, और अपने डायरेक्टर एजुकेशन को भी कहा है, और बैंक के जो कोऑर्डिनेटर उनको भी कहा है, क्योंकि इनकी यदा कदा या हर महीने मीटिंग होती है तो वो उसमें इस तरीके का एजुकेशन लोन जो है वो करे दे इनको हमारे को। एक और इशू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इश्यूज तो बहुत हैं पर चलिए, क्योंकि थोड़ा एक अभी सरकार की पिछले दिनों से काफी सालों से चल ये रहा है कि रिक्रूटमेंट जो है वो बैकडोर एंट्री हो रही, बैकडोर इन द सेंस कि कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल रख रहे हैं, वे ठेकेदार को दे दिया, वो ठेकेदार जो है वो उनको एम्प्लॉय कर रहा है, या आउटसोर्स की बात हम कर रहे हैं, आउटसोर्स प्रोसेस है उसके माध्यम से भी रिक्रूटमेंट हो रही है। और अभी मल्टी टास्क वर्कर की बात चल रही है, मल्टी टास्क वर्कर की भी अभी जैसे नोटिफिकेशन हुई, उसमें 5,000 मल्टी टास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी में जो है वो जो है वो रिक्रूट किए जा रहे हैं। हम इसमें सीधे से कहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको जो है आप डिफाई कर रहे हैं, डिफाई इसलिए कि जो आपकी रिजर्वेशन और जो रोस्टर पॉलिसी है वो पॉलिसी आप वायलेट कर रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अनुसूचित जाति को हिमाचल प्रदेश में 25% की आबादी है, तो 25% के आधार पर आउटसोर्स में हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, मल्टी टास्क वर्कर हो, तो वो उनको वहां पर रिक्रूटमेंट के लिए उनको अलग से प्रावधान किया जाए। शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, वट एवर इट इज, बट कमीशन इज फॉर शेड्यूल कास्ट, तो आई विल स्पीक फॉर शेड्यूल कास्ट, तो वो अलग से उसका प्रावधान जो है सरकार करे। क्योंकि ऐसा होता है कि अभी रख देंगे, थोड़े से 2-3 साल के बाद उसका एजिटेशनल रूप हो जाता है, डिमांड उठती है, और बात भी सही है, थोड़े से पैसे में कब तक काम करेंगे, तो डिमांड उठती है तो उनको फिर रेगुलराइज कर दिया जाता है, और जब रेगुलराइज करते हैं तो उसके बाद वो अनुसूचित जाति का जो कोटा है वो उसका कहीं पता नहीं चलता कहाँ हुआ, रेगुलर हो गए। अब मान लो ये 5,000 मल्टी टास्क वर्कर होंगे, ये ठीक है कि इसमें एक नंबर जो है, एक नंबर 10 नंबर में से एक नंबर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को दिया गया है, ठीक है, कुछ उनकी सोच इस तरफ को बनी है, परंतु इससे बात बनने वाली नहीं है। एक नंबर दे के आप 3 कैटेगरी को एक नंबर दे रहे हैं, परंतु जो शेड्यूल कास्ट का ड्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जस्ट राइट है, जो वो उनको मिलना चाहिए। ये हमने, वी हैव एडवाइज द गवर्नमेंट, वी हैव गिवन आवर ओपिनियन, जो अपना कमीशन है उसका ये ओपिनियन हमने दिया है। तो कुछ बातें आपके ध्यान में मैंने डाली है, और मुझे खुशी है कि आप इसको आगे जो है वो प्रोपेगेट करने में हमारा सहयोग करेंगे। कोशिश ये कर रहे हैं कि कमीशन के माध्यम से हम
समाज में भी जो सोशल हार्मनी है उसको बेहतर बनाएंगे, और जो दलितों के की समस्याएं हैं या दलितों के लिए जो योजनाएं सरकार केंद्र की या हमारे प्रदेश की सरकार जो भी योजनाएं ला रही हैं वो उन तक पहुंचने में उसका भी हम जायजा समय समय पर जिलावार जो है वो लेते रहेंगे, ताकि कोई बीच में उनके प्रति जो है वो ज्यादती ना हो, ये मुझे कहना है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप यू आर वेलकम। वैसे भी आपने बोला कि पूरे प्रदेश की हालत बड़ी अच्छी है, देश के बाकी राज्य लोग आ गए, तो यहाँ के एक मंत्री ने विधानसभा में ये कहा था कि मंदिरों में नहीं जाने देते, उनको भी नहीं जाने दिया मंत्री को भी, इसको लेके क्या आपने ऐसी विषय क्या कर रहे हो? दूसरा जो सिरमौर वाली वीडियो वायरल हुई थी उसमें आपने क्या डायरेक्शन दिया सिरमौर के SP को, उनका क्या रिस्पॉन्स था ये दोस्त? अभी कल ही मेरी बात हुई SP, क्योंकि मैं गुजरात था 4 5 6 दिन, तो कल ही आया तो मैंने उनसे बात की थी SP साहब से, क्योंकि 4 दिन पहले वहाँ पर मेरी कमीशन की मीटिंग भी थी। ये मैंने डायरेक्शन उस दिन भी दी थी कि आप जो जातियाँ होती हैं उसमें इमीडिएटली आपको अरेस्ट करना चाहिए, FIR तुरंत जो है लॉज करनी चाहिए। तो SP साहब का जवाब ये था कि हमने इस मामले में FIR लॉज कर दी है और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जो है वो हमने FIR लॉज की है। तो मैं उनको ये कहा कि जब POA में हुआ है तो दे शुड बी अरेस्टेड अकॉर्डिंगली, तो उनका तुरंत अरेस्ट भी होना चाहिए। कारण ये है, देखो हैं तो थोड़े से लोग, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ठीक है कि नहीं? अब इस मानसिकता के लोग मैं तो कह सकता हूँ शून्य के बराबर है, पर हैं, और वही सारा जो है समाज का ताना बाना, भाईचारा हमारा तो भाईचारा है सबका, ग्रामीण क्षेत्र में शहरों में सब भाईचारा है, परंतु वो इस प्रकार के एलिमेंट कोई ऐसा एक्शन कर देते हैं उससे वो फिर सारे का सारा गड़बड़ हो जाता है। एक बात, ये दूसरा कौन सा आपने फंक्शन, कौन सा था ये, शादी का फंक्शन था क्या था कुछ ये शादी का अच्छा फंक्शन था। जनरली बहुत से इलाके हैं आज भी, अब सब आदमी जाके तो, पर जो वास्तविकता है वो यही है कि गांव में आज भी अनुसूचित जाति के वर्ग को जो इस प्रकार के सहभोज होते हैं शादी वगैरह के, उसमें उनकी लाइन अलग लगाई जाती है बहुत सी जगह, सब जगह पर नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सब जगह पर बहुत से अच्छे लोग हैं, जनरल कैटेगरी के इतने अच्छे लोग, दे फाइट अगेंस्ट सच एलिमेंट्स, दुश्मनी भी लेते हैं अपनी बिरादरी में। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इतनी बड़ी उपाधियां सारी इतनी ली डिग्रियां, मैं बताऊं बेहद डिग्रियां, उसको लिखने में भी मेरे ख्याल में 2 पेज भर जाते हैं, तो वो अपने आप ले ली उन्होंने क्या? क्या वो दलितों ने दी? क्या वो हरिजनों ने दी? क्या वो शेड्यूल कास्टों ने दिलाई? नहीं, वो उन्होंने दिलाई जो यानी दूसरी बिरादरी के लोग थे, जनरल कैटेगरी के थे, टीचर जो उनके थे, जब वो देखते थे कि इनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, उन टीचर ने उन्होंने अपना नाम दिया अंबेडकर, जो है ब्राह्मण होते हैं वहां पर महाराष्ट्र में, तो एक ब्राह्मण टीचर ने अंबेडकर नाम वो अपने, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और टीचर जो है जो अच्छा टीचर है वो हमेशा इन चीजों को नहीं देखता है, वो अच्छे टीचर जो है अच्छे स्टूडेंट को हमेशा अपलिफ्ट करने का प्रयास करते हैं, तो यही कारण है। और अगर महाराजा ये वहां के नहीं होते तो वो बाहर उनको ना भेजते, उनको स्कॉलरशिप ना देते, ऐसा नहीं है समाज में, मैं तो कहता हूँ 99.999 जो है वो लोग वो हैं जो समाज में भाईचारा रखना चाहते हैं, पर इस प्रकार के एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स को थोड़ा स्नब भी करना चाहिए, और कानून को अपने दृष्टि से ताकत से कहने का मतलब सख्ती से जो है, कानून अगर उनके ऊपर नकेल घेरेगा तो और ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा आपने कहा था वो मंदिरों में भी मंदिरों जाने में, का अजीब सा जो मंदिरों में विधानसभा भी में कहीं कहा कहीं था, है, कहीं कहीं सब जगह नहीं है, बहुत कम मंदिर हैं, वो हम कह सकते हैं शिमला में हो सकते हैं, शायद सिरमौर में तो शून्य के बराबर हैं, आपके जो मैंने देखे हैं कुल्लू और मंडी इन जिलों में कुछ कुछ जगह पर है, पर भाई हम तो कई बार जाते हैं, मैं तो शेड्यूल कास्ट हूँ, मेंबर पार्लियामेंट भी आपके बीच में 10 साल रहा हूँ, हमारे साथ ऐसी घटनाएं तो कभी घटी नहीं, पर फिर भी ये बात सही है कि वहां के अनुसूचित जाति के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग हैं उनको उन मंदिरों में प्रवेश जो है नहीं मंत्री जी करने को दिया। नहीं जाने दिया था हाँ ये मामला आया था हमारे ध्यान में भी है, आपने
बल्कि अखबारों में भी काफी आया और विधानसभा में भी उन्होंने इस बात को उठाया। ऐसा देखने में कई बार आता है कि एट्रोसिटीज के झूठे केस भी दर्ज किए जाते हैं, तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश स्पेशली शिमला में एट्रोसिटीज के झूठे मामले कितने दर्ज हैं? बिल्कुल ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मामला आपने उस दिन तो नहीं पूछा? हाँ, उसी दिन मैंने आपसे बात की थी। देखिए मेरा जवाब वही है, मैंने कहा ना हमने तीन कैटेगरीज उसमें बुलाई है। ये जो इम्पोर्टेंट थर्ड कैटेगरी मैंने बुलाई, क्यों बुलाई मैंने, क्योंकि वो दलित समुदाय के नेतृत्व वाली उनकी बॉडी है, उनके हितों की लड़ाई लड़ती है। तो मैंने उनको यही बोला है कि जो इस प्रकार का व्यक्ति किसी व्यक्तिगत आवेश की वजह से या कुंद की वजह से जनरल कैटेगरी के दोस्ती निभाने की वजह से वो उसको हरास करना चाहता है, दूसरे आदमी को झूठा केस बनाने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति को मैंने उन लीडरों को कहा है कि आपको सोशल बाइकआउट करना चाहिए, उनको उस ऐसे व्यक्ति को हेल्प नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये आपके लिए इतना अच्छा कानून बनाया, सरकार ने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, आंकड़ा नहीं बताया सर। आंकड़ा मतलब कि कितने केसेस झूठे दर्ज हुए हैं ऑन रिकॉर्ड? देखिए अभी हमारे पास ऐसे कोई अभी हिमाचल में तो कोई ऐसा केस अभी तक नहीं आया है, पर सुनने में आता है, कई बार सुनने सुनाने में आता है कि जी उसने झूठ। अच्छा वो भी अंडर प्रेशर होता है, पहले वो अंडर प्रेशर जो है वो केस कर देता है, फिर अंडर प्रेशर जो है वो विड्रॉ कर देता है। गलती तो उसी व्यक्ति की है ना, दो बार उसने गलती कर दी, एक बार तो केस एट्रोसिटीज का उसके जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट उसने लगा दिया, दूसरी बार उसने उसको विड्रॉ कर दिया, दिस इज सेकेंड टाइम जो उसने यानी दूसरी जो है वो गलती की है। मतलब स्पष्ट आंकड़ा नहीं, स्पष्ट आंकड़ा अभी नहीं है, और मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी वेरी माइनर होगा, नेग्लिजिबल होगा, पर ऐसे लोगों को दे शुड बी डेल्ट और उनका सख्ती से कानून अपना काम करना चाहिए, क्योंकि आईपीसी में सीआरपीसी में जो भी प्रावधान है उसके उसके खिलाफ उसके एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो है सारे समाज को जो बेनिफिट मिल रहा है उस पर पानी फेर देता है। कश्यप जी, एक अभी आंदोलन चला रहा था स्वर्णों के लिए, पर आयोग की भी बात हुई और अब वो पार्टी भी बन गई है, वो ये लगातार ये कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर आरक्षण जो है खत्म होना चाहिए, एससी एसटी को लेकर जो एट्रोसिटी एक्ट है वो खत्म होना चाहिए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। और दूसरा, भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे नेता लगातार यही वकालत कर रहे हैं, करते आए हैं 1949 के बाद अब तक, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहले तो मैं ही भाजपा और आरएसएस का ऐसा मेरे पास कोई वो नहीं है आंकड़ा, 1949 मुझे ऐसा किसी ने नहीं, रेजोल्यूशन है जिसमें राम मंदिर भी एक मुद्दा था उसमें भी नहीं, इकोनॉमिक बेस पर जो है कोई भाजपा के व्यक्ति ने कभी नहीं कहा होगा, भाजपा की जहां तक मैं बात हूँ तो मैं भाजपा का रहा हूँ, अभी आजकल तो नहीं कह सकता हूँ भाजपा का रहा हूँ और अग्रणी पंक्ति तो नहीं, तो इस वक्त मैं एज चेयरमैन आई कैन नॉट से, बट एट द सेम टाइम ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी नेवर रिमेंड इस पक्ष की नहीं है कि आरक्षण जो है वो इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए। कारण ये है कि आरक्षण जो मिला है अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए तो सीधे सीधे से है कि उसमें आधार यही है कि अनटचेबिलिटी है, कि इस व्यक्ति के नजदीक मैं नहीं जाता, इसके हाथ का मैं खाना नहीं खाता, इसको मैं अपने घर में नहीं मानता हूँ, इसको मैं अपने मंदिर में नहीं मानता हूँ, तो दीज आर द अनटचेबिलिटी केसेस। तो इस प्रकार का बीजेपी की तरफ से तो मैं कह सकता हूँ कि देर वॉज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दूसरी, आपने कहा कि एक यहाँ पर संस्था पिछले दिनों बनी, मैंने उसे अखबारों में आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी कहा, देखिए हमें अपना संगठन बनाने की पूरी इजाजत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन वो हमको संवैधानिक अधिकार है, बनाए उसमें कोई दो राय नहीं, बनते हैं तो अपने लाभ के लिए मिलते हैं, सुवर्ग के फायदे के लिए मिलते हैं, पर जो जहां तक ये आप स्वर्ण आयोग कह रहे हैं, स्वर्ण आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं हो सकता है, सामान्य वर्ग आयोग की बात कह सकते हैं, तो सामान्य वर्ग आयोग जो है गठित हो तो अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका स्वागत करता है, बट डिमांड के बाद उन्होंने एक शव यात्रा भी निकाली थी, ठीक है, उन्होंने जो उनकी समझ में आया वो उन्होंने किया, उनकी जो समझ में आया वो किया, उन्होंने अपनी बात को जो है जब वो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दी, उन्होंने बता दी कि उनकी मंशा क्या थी, कि उनकी मंशा क्या थी, तो लग गया।
पर इसमें इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अगर उचित समझे, संवैधानिक दायरे में अगर कोई ऐसा आयोग बनता है तो देट इज वेलकम, एवरीबॉडी शुड वेलकम इट। हो सकता है वो उस वर्ग के यानी सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हों, परंतु आएगा सामने कि वो राजनीतिक था या वो व्यक्तिगत फायदे के लिए बात कर रहे थे, तो इसमें हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं स्वयं एक ऐसे वर्ग का आयोग का चेयरमैन हूं जो अनुसूचित जाति का है, तो वो एक सामान्य वर्ग का है, तो भी बन जाएगा, तो उसमें हाउ डज इट मैटर, वी शुड वेलकम इट, बट दे शुड नॉट डू एनी वर्क जिससे भाईचारा हमारा, सामाजिक ताना बाना जो है वो खत्म हो। कुछ बातें हुई और उसका काउंटर इफेक्ट भी हुआ, तो हम ये बोल रहे हैं कि वो ना हो। आप अपनी बात रखो, आप दूसरे वर्ग की के ऊपर जो है वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया ना दो जिससे वो आवेश में आ जाए, और उस आवेश में आने से वो सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उस पर कोई असर पड़े, मेरा ये मानना है। जी 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 हाँ जी, इसमें मैं फिगर वाइज भी आपको दे सकता हूँ, पर अभी वो एक अलग बात है। पर बेसिकली इस प्रकार के केसेस जो हैं वो वहाँ हैं जहाँ शिक्षा कम है, अशिक्षित लोग हैं, और दूसरा अंडर डेवलप्ड है, यानी जहाँ पर विकास की किरण अभी तक नहीं पहुँची, वो वही पुरानी बातों में अभी भी जी रहे हैं। नहीं, इसमें जिले की मैं बात नहीं कर, आप स्वयं ही देख सकते हैं कि जो भारत के मानचित्र पर जो जिले यानी डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत नीचे हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पर की ऐसे ऐसी ये कुछ केसेस सामने आते हैं। पर हमारे ये बात ठीक है कि कोई भी जिला एट्रोसिटी प्रोन नहीं है, कहने का मतलब है रिपीटेडली वहाँ पर कोई इस प्रकार के एट्रोसिटी के जो है वो केसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसका एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो है एक हम एट्रोसिटी प्रोन एरिया घोषित कर सकते हैं कि अगर बार बार वहाँ पर एट्रोसिटीज हो रही है तो दे आर डिक्लेयर्ड एज एट्रोसिटी प्रोन एरिया, और उसके लिए एक अलग से व्यवस्था है, वहां पर पुलिस की व्यवस्था है, थाने की व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्थाएं से, ताकि एकदम से अगर कोई ऐसी घटना घटे और वो फ्लेयर अप हो जाए सारे इलाके में तो तुरंत उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। कश्यप जी, एक आपने बोला कि आपने पुलिस को एसपी को डायरेक्शन दी है कि रजिस्टर मेंटेन करें, क्या ये एससी के लिए है या सभी के लिए है, और दूसरा उसका एसपी का क्या रिस्पॉन्स था? सेकेंडली मंत्री वाले मामले में आपने बोला नहीं कि मंदिरों में जो थोड़े बहुत भी होता है उसके लिए आयोग क्या करेगा, तो जो यहां रोका जाता है? देखिए, जहां पर भी हमको इस प्रकार के मामले आएंगे आयोग स्वयं वहां पर जाकर जायजा लेगा। अभी भी हमने जो ये इस मंदिर में मंत्री जी को जाने से रोका गया, वहां भी आप कुछ डायरेक्शन देंगे, कुछ करेंगे? देखो, आयोग और मंत्री का काम अपना है, सरकार उनको रोका गया ना, ऐसी रोका गया। वही वही अब आयोग आज बना है, अभी कोई घटना घटेगी तो आयोग जो है वो जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि अभी जैसे आपका ठियोग का मामला आया था, यानी 2 महीने के बाद जो है डेड बॉडी मिली थी, तो उसका हमने संज्ञान लिया, बहुत सी संस्थाओं ने वो किया है सारा कुछ, तो उसमें भी हमारा आयोग का एक सदस्य जो है वो वहां पर पर्सनली उन्होंने एरिया विजिट किया है, लोगों से मिले, अपनी रिपोर्ट हमने दी है, और कुछ उसमें सुजेशन या डायरेक्शन दिए डीजीपी को डायरेक्शन भी दिए उसमें, तो ऐसा नहीं कि जो आयोग के यानी मैंडेट में या आयोग के जो पेरिफेरी में है तो उसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसमें हम कितने सफल होते हैं कितने नहीं होते, कई बार तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, कोर्ट के भी फैसले होते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी कितने ही साल आयोग के पास मेरे ख्याल पावर भी थोड़ा उसी रिस्ट्रिक्टेड पावर इसलिए है कि ये तो ठीक है कि सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, पर हम उसको कितने हद तक जो है अभी इस स्टेज पर कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ये बच्चा है 8-9 महीने का बच्चा क्या होता है, वो तो बेचारा अभी रो ही सकता है। और उसमें जो आपने उनका ये था कि जैसी आती है हम रोज नाम से उसको भर देते हैं, पर मैंने कहा नहीं, ये अनुसूचित जाति के वर्ग पर जो जातियां हो रही है उसका आप रजिस्टर मेंटेन करने में क्या दिक्कत, एंड देर एंड देन वो जो वहां पर ऑफिसर है, ASI है, हेड कांस्टेबल है, जो भी है, वो आपको यानी इंटीमेट करे कि ये फलाना व्यक्ति आया, SS आया और इस समय आया, और फिर वो FIR का ब्लाउज उसे एक पता लग जाएगा ना जी, क्योंकि जो निचले स्तर पर गड़बड़ करते हैं ना
क्यों नहीं होता, फिर आंदोलन होता ना जब, तो इसमें ऑनलाइन ही करवा दीजिए आप, कई जगह ऑनलाइन, तो चलो ऑनलाइन हो जाए, कई बार ऐसा होता ना कि रजिस्टर होगा तो जरा इसलिए कि वहां पर आपकी वो रहेगी, और जब कभी वहां पर एसपी गश्त पर जाए या उस पर जाए तो वो ही में साइन इट, उसको चेक भी करे कि हो रहा है कि नहीं कर रहा है। चाय पी के जाना है सबने, अभी खड़े नहीं होना, मेरा मेरा आपको कमीशन का चेयरमैन का वो है अधिकार कि आप बैठेंगे चाय पी के जाएंगे। अच्छा हाँ जी, ज्ञान राशि को लेके आपके मोटा सर ने एक जाइलेंस हुआ था उसको लेके, हाउ डू यू थिंक कि क्या हिमाचल में सुशांत राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्युनल रिलीजन करना चाहते हैं, और इम्पोर्टेंटली जो आदमी उसमें अरेस्ट हुआ है, केस हुआ है, वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का पहले तो मैं यही आपको बता दूं जो आपने बाद में पूछा है। देखिए कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति अगर वो जातीय आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग को जो है पीड़ित करने का या उसको मेंटल टॉर्चर करने की बात कहेगा तो कमीशन उसमें एक्टिवेट होगा, नो डाउट इन इट। दूसरा आपने कहा हाटी वाला मामला, नो डाउट इन इट कि एज मेंबर पार्लियामेंट मैंने इस मामले को बहुत यानी गर्मी से उठाया, और ये हाटी समुदाय की बात जो है दिल्ली में लगभग हर मंत्रालय जो इससे संबंधित था वो उनको पता लग गया कि क्या हाटी समुदाय है, इट वॉज देयर। और अब मुझे खुशी है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट श्री जयराम ठाकुर कि उन्होंने इस जो मुद्दे को हमने 10 साल तक गर्म किया, और जो हाटी समिति है वो लगातार 1967 से उस काम को करती आई है, उनका भी एक मैं उनको भी बहुत आज साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मामले को हमेशा गर्म रखा निचले लेवल पर। अब उसमें इतना ही है कि जयराम ठाकुर जी हमारी सरकार के वो मुखिया हैं, और उन्होंने भी अपने टेन्योर में अपने समय में इस की रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट जो है भेजी है, जिसको RGI ने वहाँ एक्सेप्ट किया, ट्राइबल मिनिस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट किया, और जो हमारा यानी होम मिनिस्टर ही है क्योंकि होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने एश्योर किया है कि आने वाले दिनों में हम इस हाटी कम्युनिटी का जो है, एक्चुअली हाटी इज नॉट ए कम्युनिटी बट इसमें इशू ये रखना चाहिए कि गिरिपार का क्षेत्र यानी जो ट्रांसगिरी क्षेत्र है दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज द ट्राइबल एरिया, दिस इज द इशू। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की स्टेटमेंट आई है होम मिनिस्टर के द्वारा ये जल्दी ही जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड आई थिंक इट विल बी डिक्लेयर्ड एज ट्राइबल, नो डाउट इन इट। दूसरी जो आप कह रहे हैं जो स्पेस जो है ये तो समाज में है, अगर कोई मेरा स्पेस ले रहा है तो आई विल बी रिजेंटेड, मुझे रिजेंटमेंट होगी। तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑलरेडी इस ट्राइबल का बेनिफिट ले रहे हैं उनको लगेगा कि यार ये तो अब पहले ये एक रोटी थी हम खा रहे थे, अब ये रोटी सारी थोड़ी सी और मिलेगी क्योंकि पॉपुलेशन का एडिशन भी होगा, पर उसमें वो मिक्स हो गया। हो सकता आपका एरिया इतना, वैसे प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, आपका एरिया जो इस वक्त ट्रांसगिरी एरिया, अगर वहाँ के बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होंगे कंपेरेटिव टू अदर्स तो उसमें YS IPS वगैरह ज़्यादा, क्योंकि अब कंपटीशन होगा तो वो उसका बेनिफिट उनको दिया जा सकता है, मिलेगा उनको, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ वही मैंने शुरू में कह दिया, कोई अगर इस प्रकार की
यानी घृणित बात करेगा वो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उसमें हम पार्टी वार्टी का लेना नहीं। कमीशन अपना जो है रूप दिखाएगा, कमीशन जो है अपने तरीके की कार्रवाई करेगा। अगर ये यानी कोई जाति आधार पर अगर कोई इस प्रकार का कोई काम करेगा तो वो कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और करवाने के प्रयास करेगा। थैंक यू जी। तो ऑल आर इन्वाइटेड फॉर टी, छोटी सी चाय हमारी।